माइग्रेन एक प्रकार का सिरदर्द है, ऐसा सिरदर्द जो कि हमारे सिर के आधे हिस्से में रहता है और आधे हिस्से में नहीं रहता है। और जब ये दर्द शुरू होता है तो इसके दर्द के शुरू होने से 2 से 3 घंटे पहले से और लगभग 2 या 3 दिन पहले के जो लक्षण आते हैं वो कहीं ना कहीं ये रहते हैं कि या तो इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर जो है उसको भूख लगने में कमी हो जाती है, यानी कि उसको बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं होती। साथ ही साथ किसी किसी व्यक्ति को कब्ज या फिर जो है वो लूज मोशन की परेशानी रहती है और किसी किसी व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स पर जो है वो सूजन भी आ जाती है। और माइग्रेन होने के दौरान जिस समय माइग्रेन हो रहा होता है तो सिर दर्द होने के साथ ही साथ आपको जो है वो कहीं ना कहीं जो है मितली आती है या फिर उल्टी आती है। मितली आने का मतलब है कि उल्टी होना सा महसूस होना, और उसके अलावा जो है आपको उल्टी आती है और आदमी को जो है वो बहुत ज़्यादा जो तेज़ रोशनी होती है उससे जो है उसे प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे कारण इसके हैं, जैसे कि अनुवांशिक कारण हैं, जिनके कि माँ बाप को जो है मदर फादर को प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को ये परेशानी रहती है। और इसके अलावा इसका दूसरा कारण जो है वो तनाव है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं वर्क का, चाहे वो पढ़ाई का तनाव हो चाहे व्यापार का तनाव हो, अपने या जीवन में कुछ और परेशानी है, उनको इस तरह की परेशानी रहती है। तीसरा कारण जो रहता है वो तीसरा कारण हार्मोन्स का रहता है, इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम जो है महिलाओं में ज़्यादा रहती है माइग्रेन की। जिन महिलाओं को जो है वो पीरियड्स के दौरान जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, उन महिलाओं को जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कुछ मेडिसन्स होती हैं, जैसे HRT एक मेडिसन्स होती है, हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी से जो है कहते हैं उसको, जो है उस मेडिसन्स को लेने से ये प्रॉब्लम रहती है। मौसम के कारण ये प्रॉब्लम रहती है, जो ऐसा मौसम जब आप प्राकृतिक रूप से जो मौसम चेंज ना हो बल्कि जो आर्टिफिशियल रूप से मौसम चेंज हो, जैसे कि आप AC से सीधे आप धूप में जाएं या आप धूप से जो है सीधे AC में आएं, तो उस तरह के लोगों को जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम रह जाती हो जाती है। और आप जब भी इस तरह का आपको आना हो कि AC से सीधे आपको धूप में जाना हो तो कोशिश करें कि आप चश्मा लगाएं और जो है इसके साथ ही साथ आप जो है वो छाता भी लगाएं और आप अल्कोहल से बचें। साथ ही साथ जो है इसके बहुत सारे बचाव हैं, जैसे कि आप पानी ज़्यादा पिए। दूसरा जो है जब भी आप सुबह में जो है एक्सरसाइज करें तो आप उस एक्सरसाइज में जो है वो घास पे जो है वो नंगे पैर जो है वो चलने की जो है कोशिश करें। और इसके अलावा आप योगा करें, नमक की थोड़ा मात्रा कम करें और सरदर्द होने के दौरान आप जो है अपने सिर पर जो है वो आइस पैक जो है रखें, यानी कि जो है ठंडा पट्टी जो है आप रखें। और लोकल एप्लीकेशन में इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप बादाम के तेल की जो है अपने सर पे जो है वो मालिश करें और साथ ही आप बादाम का तेल जो है वो अपनी नाक में भी डालें, और नाक में डालने के साथ ही साथ आप जो है अपने दूध में भी जो है इसको डालें। और जब भी आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो उस दौरान आप जो है वो अंधेरे कमरे में जो है लेटें, एकांत में लेटें और जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ से बचें। साथ ही साथ आप जहाँ ये रेडी बिंदी लगाती हैं इस जगह पे अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है माइग्रेन की तो आप 2 से 3 मिनट जो है इस जगह पे आप पॉइंट को आप दबाएँ। साथ ही साथ आप कानों के पिछले हिस्से को आप इधर इस तरह से इसको 4 से 5 मिनट मालिश करें। साथ ही ये अंगूठे का ऊपरी हिस्सा दबाएं। अगर आपको माइग्रेन की परेशानी है तो आप जो है इन चीज़ों को करें। साथ ही साथ जब आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जब आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो गई हो, तब भी जो है आप अगर इस तरह की ये एक्सरसाइज करती रहेंगी या ये समझिए कि एक प्रेशर पॉइंट आप दबाते रहेंगे तो या दबाती रहेंगी तो आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आपको अगले बार अगर कभी ये प्रॉब्लम आएगी तो उसका समय कम होगा और आपको जो है सिर में इतना दर्द भी जो है महसूस नहीं होगा। इसी तरह की आपको जो है अगर स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी परेशानी हो और आप उसका जो है आयुर्वेदिक समाधान चाहते हो, आयुर्वेदिक इलाज चाहते हो, तो हमारी स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है आप उस पर एक बार हमारे पास ज़रूर संपर्क करें, कॉल करें, आपको निःशुल्क जो है स्वास्थ्य सलाह मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसको लाइक करेंगे तो इससे जो है मेरा और मेरी टीम का जो है वो हौसला अफजाई होगी, मनोबल होगा। धन्यवाद।